अब मैं सोची तुम लेट जाओ, पकड़ू क्या है उसको लेटा के। हाँ तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, कल को मैंने आप लोगों की जो भी मेरी रिपोर्ट आई थी एक्सरे की, जो बताया था डॉक्टर ने, सब कुछ आप लोगों को कल बता दिया था। पर कहीं ना कहीं मैं ये सोच रही थी कि एक बार क्यों ना हमें अपने डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब उन सर ने कल हमें बताया, जब हमने उनको बताया था, तो उन्होंने कहा था कि हमने उन सर ने बोला कि हम आपको इतने इतने पावर वाली गोली नहीं दे सकते हैं, बट इसलिए आपको दर्द और हो रहा, अधिक हो रहा है ना। कम एमजी की दी है, और मेरे बीच मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं पसली में तुमको चोट आई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पर उठने बैठने लेटने सब में मुझे कमर में दर्द है, है ना। कहना चाहिए वो ये बोल रहे थे कि आपको सिर्फ लेटे रहना है। अब ये चीज़ें या फिर हस्बैंड छुपा रहे हैं, मुझे बताना नहीं चाहते हैं, जैसे कि मैं डर जाऊं या फिर डॉक्टर ने कुछ और बताया, ये मुझे चीज़ें समझ में नहीं पता नहीं पता। तो अच्छा, फिर उसके बाद हमने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने खैर फिर उसके बाद इनको बुलाया कि तुम भी अभी तक नहीं आए हो, तुमको हमने इंदौर आने के लिए मना किया था, तुम अपने आप को लापरवाही कर रहे हो। जैसे कि आपको पता हर महीने इनको दिखाना होता है। तो अब देखिए, वैसे तो मेरा अभी जाने का था कि मैं इनको लेकर जाऊंगी, पर कहते हैं ना कि हमें एक दिन का भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, मैंने ही थोड़ी देखा था। और मैं बता रही हूँ, मैं एक्शन तो लूँगी, यहाँ पे गिरी हूँ, एक्सीडेंट हुआ है ना मेरा अभी, पर मैं शांत हूँ। क्योंकि देखिए अभी मेरी परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, और मेरे यहाँ ऐसा कोई है भी नहीं कि इस सब चीज़ों के लिए कोई खड़े रहे कि हाँ उनके ऊपर कोई एक्शन लेना है। पर मैं लूँगी, ज़रूर लूँगी। और देखिए, अगर हमारी कोई गलती है तब तो ठीक है, हमें शांत रहना है, पर हमारी गलती नहीं है उसके लिए तो हमें बोलना पड़ेगा। और अभी डॉक्टर ने फिर उसके बाद बोला कि तुम तुरंत वो दवाई बंद करो, और जो हमारे डॉक्टर थे ट्रांसप्लांट, वो बोलते कि तुम लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर रहे हो। चलो ठीक है, कहीं तुमने एक्सरे कराया, ये सब चीज़ कराया, जेल लगा रहे हो, तेल लगा रहे हो, पर दवाई क्यों खा रहे हो, हमने साफ मना किया था। तो उस सोच के मुझे अभी तक डर लग रहा है। वो बोल रहा है कि तुमने आखिर वहाँ की दवाई खाई क्यों, हमें एक बार फ़ोन करना था, हमें बताना था, हम यहाँ से बताते। तो उन्होंने अभी मेरे को साफ दवाई मना कर दिया, कहना चाहिए साफ साफ मना कर दिया कि दवाई उधर की नहीं खानी है। अभी एक मुसीबत और हो गई। और उन्होंने कहा जब भी छोटा मोटा कुछ भी तुमको दिक्कत है, तुमको पेन किलर तो खानी ही नहीं है, कोई भी पेन किलर हो। इस वजह से तो इन्होंने मेरी रोटियों में घी लगा दिया था। और ऐसे तो मैं उठ के बैठ के खा लेती हूँ, पर क्या है कि बार बार हाथ धुलो, और ऐसे ना बैठ के लेटे लेटे खाते भी नहीं बनता है। फिर भी ये धीरे धीरे खिला रहे थे, बोल रहे थे आरती अब तूने बहुत मेरी सेवा कर ली, शायद भगवान को यही मंजूर हो कि आरती की भी सेवा करो। पर मैंने कहा कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो मेरे ऊपर, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा। तो बोलते कि एक बुरा समय समझ के इसको नहीं भी निकाल देना, अपना भी दिन अच्छा आएगा, बस यही कि अपनी परिस्थितियाँ जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। और कहते हैं ना कि नज़र लग जाती है, आप बोल रहे थे आरती नज़र उतार लेना। सबसे अच्छी बात कि आप लोग हमारे लिए इतनी दुआएं करते, हमारे बारे में इतना सोचते हैं, जो भी जिस जिस के जो भी भगवान, आप सब भगवानों से हमारे लिए प्रे करते हैं कि आरती जल्दी ठीक हो जाएगी। मुझे भी कहीं ना कहीं भरोसा तो है, पर अभी मेरे को अपने हालात देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं ठीक हो भी पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी, कब हो पाऊँगी मैं भी ये नहीं कह सकती। तो यहाँ पे मेरी भाभी आ गई थी, जैसे कि आपने को मैंने बताया था मम्मी चली गई थी, वो आ गई थी, और फिर उसके बाद सासू माँ थी। तो बीच में कभी भाभी कभी सासू माँ कभी ये, क्योंकि एक जन शिव को चाहिए, एक जन मुझे चाहिए, एक जन घर को। तो मैं उनको समझा रही थी कि मम्मी मुझे बैठते नहीं आ रहा है, तो वो बोल रही थी कि तुम्हें हिम्मत करनी, जैसे मैं चलती भी हूँ ना तो मैं तिरछा होके चल रही हूँ, मतलब झुक के चल रही हूँ। तो आप सब लोगों को ये डर बैठा हुआ है कि अब क्या मैं सीधे खड़े नहीं हो पाऊँगी, सीधे नहीं चल पाऊँगी, क्योंकि मैं सीधे खड़े होने की कोशिश तो करती हूँ, वैसे तो चलने को डॉक्टर ने मना किया है। तो मेरे उधर पे ना
मुझे चिल्लाना, चीखे निकलती है मेरी सच में। और यहाँ पे मैं कह रही थी कि नहीं मम्मी मैं हिम्मत तो बहुत करती हूँ, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि हिम्मत तो करती हूँ, तो मैं उनको ये चीज़ें समझा रही थी बार बार। अब और कैसे हिम्मत देना चाहिए, पर ये है कि अभी सब लोग मेरे पास हैं, सब बहुत हिम्मत दे रहे हैं। और शिप को भी कहीं कोई ले रहा है, कहीं कोई ले रहा है, तो ये मुझे ना हंसवाने की कोशिश कर रही थी। तो मैं बोल रही थी कि मैं ऐसे ही चलूंगी, तो वो मूवी बोलते वाला काफी नहीं अच्छा लग रहा है परेशान मत करके, हो, ये अच्छे से ठीक है चलोगे। तो। और बहुत इसका क्या बताऊं, और इतनी सारी लिपस्टिक है, इतनी सारी कंफ्यूजन तो ऑब्वियसली कि होगा ही कंफ्यूजन। मैं आप लोगों को इसमें हैंड में लगा के बताऊंगी कि कौन से कलर है, क्योंकि एक साथ सारे कलर हम लगा नहीं सकते हैं ना। और इनकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, क्यूट सी है। तो मैंने अभी एक ही ओपन की थी, मैं इसको डेली में लगा रही थी। आई थिंक जब कभी ऐसे जगह जा रहे थे हम तो लगा रहे थे, पर हुआ क्या, मुझे लगा चलो एक बार और ट्राई करते हैं हम। तो आज मैं कौन सी लगाऊं, तो यहाँ पे मामा अर्थ की ओर से मुझे कुछ प्रोडक्ट रिसीव हुए थे, जैसे कि ये काजल और बहुत सारी मामा अर्थ मॉइस्चराइज मैट लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक। क्योंकि अभी आपको पता है विंटर आ गया है, विंटर के समय जो सबसे ज़्यादा ड्राई करते हैं वो हमारे ओंठ हैं, तो इसके लिए मामा अर्थ ने अपने टोन के हिसाब से, जैसे कि हमारा फेस का टोन है, हमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता हमें हमेशा कन्फ्यूज़ रहता है कि हम अपने होंठ पे अपने लिप्स क्या पे क्या लगाएं, तो ये आपके लिए ही लेकर आया है मामा अर्थ। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं आपको जनरली रिव्यू इसका शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, जो कि इसके 8 आपको शेड्स दिए गए हैं, 8 शेड्स दिए गए हैं। अब इसको मैं एक एक करके आप लोगों को लगाऊंगी, और ये आपको 12 आवर्स तक बिल्कुल भी आपके लिप से हटने वाला नहीं है। और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। और आपको पता है मामा अर्थ डर्मेटोलॉजिस्ट टेक्सचर से बनाए होते हैं, ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं। इन सारे प्रोडक्ट को आप ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आपको ये मामा अर्थ अमेजोन, नायका, पर्पल एंड फ्लिपकार्ट एंड मामा अर्थ के खुद के ऐप में भी आपको ये मिल सकता है। और मैं सारा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं मामा अर्थ डॉट इन मामा अर्थ की खुद के ऐप में, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम टीम मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेब टू आ प्लांट 1 मिलियन टीस अस पार्ट ऑफ दिस इन्वाइटेड। मामा अर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव आर इंडियन मामा ब्रांड है। मामा अर्थ हैज़ लॉन्च्ड देयर ऑफिशियल ऐप, यूजर गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो जल्दी से कई बार लिपस्टिक क्या होती है, हम जैसे पानी भी, हमने वाटर प्रूफ तो होती हैं पर अगर पानी डालो तो वो अलग अलग चली जाती हैं, बट इसका कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं जितने भी शेड्स हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं मामा अर्थ के अपने खुद के ऐप में, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कूपन कोड है ZINDGI2023। तो जल्दी से जाइए और जल्दी से आप लोग जो भी लिपस्टिक लेनी है आप बाय कर सकते हैं। चलिए बाय। तो यहाँ पे मेरे पिताजी भी आए थे, मतलब कहना चाहिए जिस जिसको पता चल रहा है ना, तो सब लोग देखने आ रहे हैं। तो पहले तो पिताजी घबरा गए थे कि क्या हो गया, बेटी को गिर गई थी, पर इन लोगों को देख रहे थे। और मैंने बोला कि नहीं पिताजी कोई दिक्कत नहीं। और मेरी सिस्टर भी मुझे देखने आई हुई थी, है ना, सासू माँ भी आई हुई थी, वो सिस्टर की बेटी है। तो अच्छा, अभी आपने जो आगे क्लिप देखा वो आप सोच रहे होंगे आरती कैसे अचानक से खड़ी हो गई। एक्चुअली ना वो सब वीडियो हमारा दीपावली से पहले का था, जो कि मुझे डालना था, पर यही है मैं वीडियो खुद से नहीं बना पा रही थी, सो आज डाला है। और कहते हैं ना कि ऐसे बताओ ना, लो लो। हेलो गाइस, मैं कपिल, नाना नानी आए हैं। क्यों आए हैं? मम्मी को देखने आए हैं। मम्मी को देखने आए हैं। तो यहाँ पर अभी देखो, फिर उसके बाद ना पिताजी कुछ मंजन वगैरह लेने गए थे, क्योंकि मम्मी रुक रही थी मेरी। और देव, फिर कुछ वीडियो देव ने बनाया है, कुछ वीडियो इन्हीं लोगों ने बनाया है। और
क्योंकि देखिए आपको पता है यही एक सहारा तो यहाँ पे देव कह रहा था मम्मी नाना जी को भी रोक लो ना नाना, पर नाना जी ने बोला बेटा हमको काम करने जाना है। तो यहाँ पे हम लोग और ये लोग मुझे हंसवाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब पिछली बातें वो खाड़ रहे थे कि पहले छोटी में तुम ऐसे ही दिखती थी ऐसे, पर फिर उसके बाद मैं समझ गई थी। तो वैसे भी कहते हैं ना एक बेटी को अपने माँ बाप को जितना दुख नहीं बताना चाहिए उतना ही अच्छा है। तो दर्द तो है मुझे, पर कहते हैं कभी कभी अपनी तकलीफ़ों को छुपा लेना चाहिए। नीचे लिटा दो ना यार, थोड़ा पकड़े रहो नहीं तो है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ हालांकि इनसे भी चलते नहीं बन रहा था, इनको भी दिक्कत परेशानी हो रही थी, पर क्या करें वक्त हालात कभी भी किसी की भी पलट सकते हैं ना, इस वजह से। अब वो डॉक्टर बंद हो गया होगा वो, नहीं तो दवाई ले जाते वापस हो जाती तो कर देते हैं। कितने 100, 200, 300 रुपए की है, फालतू जाएंगी जो बची है, चार चार दवाई है। नहीं जो दर्द वाली है ना वो कहाँ खाएंगे, दो ही तो दवाई खाए हैं। सॉरी मैं आप लोगों से ही बात करने लगी थी, इनसे भी बात करने लगी थी। फिर पिताजी मेरे को समझा रहे थे बेटी कैसे गिर गई क्या हुआ, तो देखिए वो घबराते, इसलिए मैंने सबको तो बताया पर उनको वो चीज़ें नहीं बताई। मैंने कहा ठीक है पिताजी, कहते हैं ना होनी को कोई टाल नहीं सकता, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो भी मुझे हिम्मत दे रहे थे, बोले बेटी कोई बात नहीं, जब इतने इतने बड़े पहाड़ तोड़ लियो तो ये छोटा मोटा है, बस थोड़ी सी और हिम्मत रखो और ये सोच लो कि एक बुरा वक्त है। बुरा वक्त बोले ओढ़ के बढ़िया से लेटे रहा क्योंकि अभी ठंड है, ठंड में और ज़्यादा दिक्कत परेशानी के। और कहते हैं ना कि ठीक है माँ बाप कैसे भी हो पर हमसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ होता है, पर कभी वो जिक्र नहीं करते हैं हमारे दर्द का। हम भी किसी के माँ बाप हैं है ना, जैसे कि हमारे भी बच्चे हैं, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर ना मैं बार बार तकिया रख रही थी क्योंकि मैं थक गई थी, थक ऐसा गई थी कि एक एक करवट से लेटे रहना ये भी बहुत चुनौती का काम था। सो यहाँ पे देखिए कुछ जो वीडियो है ना, मेरे हस्बैंड ने ट्राइपॉड लगा दिया, कुछ मेरी मम्मी को मैंने बोल दिया यहाँ रख दो, कुछ अपने मन से देव ने बना दिया, तो ऐसे ही अभी है। और इसको हम कह सकते हैं कि मुझे अभी अभी ना इतनी हिम्मत की ज़रूरत है कि बस बहुत। तो थोड़ा सा सासू माँ देख रही थी थोड़ा सा ये, तो अभी है नेक्स्ट डे है ना, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है। और मतलब ये तो मेरी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आरती समय पे दवाई लेना है, समय पे ये करना है, क्योंकि दवाइयों का एक मिनट भी थोड़ा सा भी इधर से उधर मत करना। मैंने बोला ऐसा मुझे नहीं है ऐसा आपको है, मैं तो कभी भी खा सकती हूँ। तो ये चीज़ों को हम थोड़ा सा डर रहे हैं लेकर कि भगवान कैसे। और न मैं ना अब मैं समझ सकती हूँ, जब मेरे ये हस्बैंड लेटे रहते थे ना तो समझ सकती हूँ कैसा फील होता है। अभी जब मैं लेटी हुई हूँ ना, भगवान इतने बुरे दिन कभी किसी को भी नहीं दिखाए लाइफ में कि बस इंसान लेटा लेटा रहे। और कहना चाहिए कि खड़े खड़े टॉयलेट जो भी होता है वो भी सब करना। इतनी सी उम्र में ना इतना सब कुछ झेला है मैंने, मतलब सहा है भी और पता नहीं कितने कष्ट बाकी। कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान शायद, देखिए मैं नहीं कहती मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, पर आपने देखा होगा मैं करती हूँ। मेरी सासू माँ भी मुझे वो शिव जी का गंगा जल पर आ रही हैं, बेलपत्री मैंने खाई और मुझे भरोसा भी है। पर अभी अभी की हालत देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है इस वजह से। तो यहाँ पर ये देखिए मुझे ये ना गोलियां खिला रहे थे और बस ऐसे ही हिम्मत दे रहे थे कि ठीक हो जाओगी ठीक हो जाओगी, जैसे कि आप लोग दे रहे हैं। और वीडियो बनाना भी बस मेरी एक मजबूरी है, कोई क्योंकि आप लोग को पहले ही बताया था मेरा कोई शौक नहीं कि शौक हो। तो यहाँ पे मेरी मम्मी ना सब्जी काट रहे थे, वो बोल रहे थे अभी हम चले जाएंगे, नेक्स्ट डे है। वो एक दिन रुके हुए थे तो ऐसे तो आए नहीं थी कि हमें आना है, तो सब्जी वगैरह काट के और नहा धो लिए थे उन्होंने सुबह ही, तो सब्जी काट के सब्जी रोटी बना के और फिर चले जाएंगे। और सासू माँ वो शिप की अभी मालिश कर रही थी
और सबको पता है ना कि आरती ने कितना कुछ मतलब कि सहा है, उसको सब सब लोगों की ज़रूरत है। एक तो देखिए डिलीवरी को भी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 महीने हुआ, तो यहाँ पे ना मैं ये बोल रही थी कि मुझे एक्सरे दिखाओ, तुमने दिखाया नहीं है, शायद मेरी पीठ में तकलीफ़ है। तो बोलते नहीं पागल नहीं है नहीं है। फिर उसके बाद ना मतलब कि डॉक्टर से कि मेरी सासू माँ से कुछ ऐसे ही चुपके से बात कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि ये चीज़ें मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और मुझे बताना नहीं चाहते हैं कि मैं कहीं घबराऊँ ना, क्योंकि जब इतना ही डॉक्टर ने मुझे बताया ना कि अब तुमको उठना नहीं है, सिर्फ लेटे रहना है, इतना सा गैप है, तो मैं रोने लगी थी वहाँ पर, इतना रो रही थी। बोलते पागल कैसे छोटे बच्चों की जैसे रो रही। मैंने कहा सर आप, बोलते एडमिट हो जाओ तुम, ऐसे ऐसे पेशेंटों को सिर्फ लेटे रहना रहता है, लेटिंग बाथरूम सब बिस्तर में करना होता है। तो मैंने कहा सर मेरा 6 महीने का बच्चा है। बोले तुम अपनी घर बार देखोगी तो तुम तो हो गई ऐसे ही। तो वही चीज़ ना मैं बार बार देख रही थी। और यहाँ पे देखो फिर मैं आई थी, अगर मैं सीधे खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ ना तो मेरी कमर एकदम से झटका लगता है और मुझे बिल्कुल भी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे मम्मी ने, मेरी मम्मी ने कपड़े चेंज कर दिए थे। और यहाँ पे सासू माँ लेके आई थी और बैठते ना नहीं बनता है। ये देखो 10 बार मुझे उतरने के लिए सोचना पड़ता है, 10 बार मुझे लेटने के लिए। ये लोगों ने बोला कि यहीं पे वॉशरूम वगैरह जो भी कर लो, पर मुझसे नहीं करा जाता कि देखो ये कोई मेरी स्थिति है, परिस्थिति है। तो यहाँ पे मैं बड़े आराम से धीरे धीरे चढ़ रही थी और उसमें तो बल ही नहीं जा रहा था मेरा कि कैसे क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वही ठीक है, बस अभी थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है। और यहाँ पे ना ये लोग मुझे बोल रहे थे कि छोटे बच्चों की तरह भी आरती की केयर करनी है, मतलब इनकी भी करनी है, शिव की भी करनी। मैंने मैंने कहा हाँ क्या करेंगे, सबका वक्त एक सा नहीं रहता। शायद ये कोई मेरे बुरे कर्म ही होंगे, मैं तो यही कह रही हूँ। और भगवान जहाँ मैंने कोई गलती की हो मेरी गलतियों को माफ़ कर देना, मैं तो इतना ही कह सकती हूँ। मैं नादान हूँ, अनजान हूँ, ना समझूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और एक बात मैं बताऊँ कि सच्चे और ईमानदारी के रास्ते में जो चलता है ना, अक्सर उसी को कुछ ना कुछ धोखा, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में परेशानियां रहती हैं। मतलब जो ज़्यादा पूजा पाठ जो ज़्यादा करता है, और जो नहीं करता है ना ये सब चीज़ें, मैं हर किसी को नहीं बोल रही, उसको कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर उसके बाद देखो फिर मेरी मम्मी ना मुझे तेल लगा रही थी, तो मसाज और उसकी जेल की मसाज कर रहे हैं, फिर भी कोई भी आराम नहीं। आप लोग बोल रहे थे यहाँ जाइए आरती, वहाँ जाइए, हड्डी को जुड़ने में समय लगता है। तो एक एक दिन मेरे लिए इतने भारी निकल रहे हैं ना, मुझे रोना तो आ रहा है, पर मुझे पता है कि मैं ही, अगर मेरी हिम्मत टूट जाएगी तो और लोगों को मैं कैसे हिम्मत दूंगी, आप लोग कैसे हिम्मत दूंगी, जो कि आप लोग को भी मुझे देख के हिम्मत आती है। तो बस रखी हुई हूँ यहाँ पे जो होता है फल फ्रूट, जैसे कोई देखने आ रहा तो वो लोग ले आते हैं, तो उसके बाद हम वही फल फूल वगैरह खा लेते हैं। तो पपीता भी यहाँ पे खाते जा रही थी और मुझे लग रहा था बस मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊँ, कोई प्रोटीन वाला पाउडर दे दे, कुछ ये दे दे, तो बस आराम लग जाए। दर्द की दर्द की दवाई देनी है कि जब ज्यादा दर्द हो ना, तो वो ना सर ऐसे दर्द नहीं देता है उसको। अच्छा तो बोले दिन में जो एक बार बस खाने, दिन में तो वो कितनी इतनी में दसा नहीं करे, दिन में एक एक बार खाने में, ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा दर्द हो 8 बजे खा लो, अभी रात में 24 घंटे में एक बार खा ली करे, रात में दिक्कत ना हो जाए। ज्यादा थी कितनी करने दे रहा है, हां बोल रहा है, हाँ बोलो और क्या बोला, ठीक है बस आराम लगे धीरे धीरे, तो अभी बोले नहीं कि बिल्कुल आराम नहीं सर, आराम लग जब रेस्ट करो, तो मैं बोले नहीं नहीं उठती है, नहीं उठती है। अभी सुबह साफ जैसे सुबह सबू ऑयल जेल के तो ऑयल जेल लगा जा से गई सुबह, इसको हवा नहीं भी। तो तुम गायब थे कहीं, कहाँ गायब है, हाँ तो कहाँ रहे फिर बाहर, बाहर रहे, तुमको यहीं बैठना चाहिए, जैसे हम तो वहाँ पर बैठे रहते हैं।
थैली ही नहीं मिली, थैली ही नहीं मिली, थैली पानी गर्म करने की।